बहुत दिनों बाद आई हो, अच्छे से सफाई कर दे रहा, बहुत गंद फैला हुआ है। जी मैम साहब। माँ माँ। अरे पूर्वी बेटा तू? पूर्वी की माँ सफाई वाली? आप यहाँ? कैसा है मेरा बच्चा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माँ, लेकिन आप ये सब क्या कर रही हो? बेटा वो मैं सफाई का काम करती हूँ। पूर्वी कौन है? प्रिंस, इनसे मिलो, ये मेरी मुंह बोली माँ है। माँ इनसे मिलो, ये है प्रिंस मेरे हस्बैंड। दामाद जी नमस्ते। क्या दामाद जी, अपनी औकात में अपनी गंदी जवान से मेरा नाम मत ले, और तुम किन घटिया लोगों के साथ मेरा रिश्ता जोड़ रही हो? प्रिंस ये क्या हरकत है, कैसे बात कर रहे हो? माँ है वो मेरी। अरे मुंह बोली माँ है, सगी नहीं। ऐसे तो रोड पे चलते हुए मैं किसी को भी माँ बाप बोलता हूँ, सबसे रिश्ता निभाता फिरूंगा मैं। छोड़ो ना बेटा, दामाद जी की बात का क्या बुरा मानना है? लेकिन फिर भी माँ, इसे आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। देख लो, इसे समझा लो, ये मुझे फिर से दामाद जी बोल रही है। प्रिंस तुम चुप रहोगे? एक बार मुझे बात करने दोगे माँ से? माँ ये सब क्या है, आपको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे बेटा क्या बताऊँ, मजबूरी से करना पड़ रहा है ये सब काम। लेकिन माँ ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि आपको ये सब करना पड़ रहा है? बेटा भगवान ने जिंदगी दी है तो पेट तो पालना ही पड़ेगा ना, जिंदगी तो चलानी पड़ेगी। मेरे बेटे ने ना मुझे घर से निकाल दिया अपनी बीबी के कहने पर। सोच, जिसके पास इतनी संपत्ति हो और उसकी माँ ऐसे झाड़ू लगाती हो, शर्म तो आती है ना। पर क्या करूँ, उसने एक बार भी नहीं सोचा माँ कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्या खाएगी। क्या बताओ, शायद मेरे ही कर्म खराब है जो मुझे ऐसी औलाद मिली। क्या भाई ने आपको घर से बाहर निकाल दिया और आप चुपचाप निकल गए? अरे वैसे कैसे कर सकता है? और माँ अगर ये सब हो गया था तो आप मुझे बताती, हमारे साथ आके रह लेती, आपको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे जब मेरे बेटे ने ही मुझे घर से निकाल दिया तो मैं तुझसे क्या ही उम्मीद करती। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे इतना बोल दिया ना, मैं बहुत खुश हूँ इससे। अरे माँ आप ये कैसी बातें कर रहे हो, अगर वो आपका बेटा है तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती क्या? माँ मेरे होते हुए ना मैं आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती, आप मेजा चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, किसी भी राह चलते हुए को तुम घर में उठा के ले आओगी? तुम्हारी मुंह बोली माँ ये कोई सगी नहीं है। फ्रेंड्स तुम ना चुप हो जाओ, बेशक ये मेरी मुंह बोली माँ है लेकिन इन्होंने ना एक सगी माँ से भी ज्यादा किया मेरे लिए। ऐसा क्या किया है सफाई वाली ने जो और कोई नहीं कर सकता? अरे क्या नहीं किया इन्होंने, मेरी माँ ना इनके घर में झाड़ू पोछा करती थी, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, और ये इन्होंने ना एक दिन मुझे पढ़ते हुए देखा। अरे क्या नहीं किया इन्होंने, मेरी माँ ना इनके घर में झाड़ू पोछा करती थी, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। एक दिन ना इन्होंने अपने बेटे की बुक को मुझे पढ़ते हुए देखा, इन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें पढ़ने का शौक है बेटा, तुम स्कूल में पढ़ोगी? और मुझे तो पढ़ने का शौक था, मैंने हाँ कर दिया। इन्होंने मुझे 12वीं क्लास तक पढ़ाया और तुम्हें पता है मैं हर बार क्लास में फर्स्ट आती थी। फिर इन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाया, और जानते हो प्रिंस आज मैं जिस मुकाम पर हूँ ना, जितनी सक्सेसफुल मैं हूँ ना, वो सब इनकी बदौलत है, अगर ये नहीं होती ना तो न जाने मेरा क्या होता। प्रिंस भले ही ये मेरी सगी माँ नहीं है लेकिन ये मेरी दूसरी माँ है, इन्होंने ना मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। बेटा मैंने तेरी मदद इसलिए की ना कि तू शुरू से पढ़ने में बहुत होशियार थी, हमेशा अव्वल आती थी अपने क्लास में, और इसी होशियारी की वजह से ना आज देख तू कितने अच्छे मुकाम पे है, कितना अच्छा कमाती है, मुझे ये देख कर ना बहुत खुशी हो रही है। मुझे मालूम नहीं था पूर्वी कि इन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, वरना मैं कभी इन्हें ऐसा नहीं बोलता, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तभी तो प्रिंस मैं स्टार्टिंग से तुम्हें मना करती हुई आ रही थी कि माँ के साथ बदतमीजी मत करो, और माँ अब से ना आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलो, हमारे घर में रहोगे। नहीं नहीं बेटा मैं नहीं रह सकती। देखिए माँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आपने मेरी बीबी के लिए इतना सब कुछ किया हुआ है, आप बस मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए प्लीज। माँ अब तो इन्होंने भी कह दिया, आप प्लीज चलो ना। अरे कौन कहता है ये बुढ़ापे का सहारा सिर्फ एक बेटा होता है, अरे अगर तुझ जैसी बेटी हो ना तो किसी को बेटे की जरूरत ही ना हो। चलिए आप अंदर चलिए।